नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दिन की शुरुआत एक अच्छे काम से हो, इसलिए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें, क्योंकि आपका सारा जीवन ही शनिदेव की कृपा पर चलता आया है और आगे भी चलता रहेगा। तो कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव लिखना ना भूलें। साथ में इस वीडियो पर एक लाइक कर दें, क्योंकि जब आप वीडियो लाइक करते हैं तब इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आगे भी ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 15 और 16 नवंबर 2020 के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए नवंबर माह के ये दो दिन कैसे रहेंगे, किन चीज़ों में आपको सावधानियां बरतनी हैं और किन चीज़ों में आपको शुभ समाचार मिलेंगे, बड़ी खुशखबरियां मिलेंगी, क्या क्या बड़ी घटनाएं आज इन दो दिनों में आपके जीवन में होने वाली हैं, सभी कुछ जानेंगे विस्तार से। नौकरी, करियर, व्यापार, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, आपके रिश्ते कैसे रहेंगे, आपकी सेहत, आपकी आर्थिक स्थिति, जी हाँ, आपकी आर्थिक स्थिति में क्या बदलाव होंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं यहाँ आपको विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। मित्रों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपकी भी राशि तुला है तो नीचे लाल बटन दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि आपको तुला राशि की वीडियो की नोटिफिकेशन प्रतिदिन समय से मिल सके। मित्रों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो पे एक लाइक नहीं करा है तो एक लाइक कर दें ताकि आपका प्रेम हमारे साथ इसी तरह बना रहे। देखिए, हमारा राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि के आधार पर हम जानेंगे 15 और 16 नवंबर 2020 ये दोनों ही दिन आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं। आइए सबसे पहले जान लेते हैं क्या क्या ग्रह नक्षत्र हैं, क्या शुभ योग आपके लिए इन दो दिनों में बनने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं 15 नवंबर की। मित्रों, 15 नवंबर को कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है, विशाखा नक्षत्र है, शोभन नाम का योग है, रविवार का ये दिन है। चंद्रमा तुला राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और ये गोचर होगा सुबह 11:57 पर, जब चंद्रमा तुला राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जबकि सूर्य तुला राशि में ही विराजमान रहेंगे। बात करें अगर 16 नवंबर की तो 16 नवंबर को कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की प्रथम और द्वितीय तिथि रहेगी, अनुराधा नक्षत्र है, अति गंड नाम का योग रहेगा जो आपके लिए बेहद भाग्यशाली रहेगा। सोमवार का ये दिन है। चंद्रमा वृश्चिक राशि से आज तुला राशि में जाएंगे, जबकि सूर्य वृश्चिक राशि में रहेंगे, वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो ये दोनों ही दिन, ये थी ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ और इन्हीं के आधार पर हम आगे जानेंगे ये दो दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। वीडियो के अंत में मैं आपको मित्रों एक बहुत सरल उपाय बताऊंगा, इस उपाय को आप ज़रूर सुनें और करें, आपको काफ़ी लाभ होंगे। चलिए बात कर लेते हैं राशिफल के बारे में। यहाँ इन दो दिनों में आपको क्या क्या शुभ परिणाम मिलेंगे, क्या क्या खुशियाँ मिलेंगी। देखिए, यहाँ आपको दूसरों के साथ खुशियाँ बांटने का मौका मिलेगा, आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी और खुशियाँ बांटने से आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। मित्रों, इस समय अगर आप किसी ऐसे काम से जुड़े हैं जहाँ धैर्य की आपके अंदर कमी है तो उस लिहाज से आपको थोड़ी सी परेशानी यहाँ ज़रूर हो सकती है, इसलिए अगर आप संयम बरतेंगे, धैर्य रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी इन दो दिनों में आपके जो जीवन के महत्वपूर्ण लम्हे हैं उनका यहाँ आप लुत्फ उठाते हुए नजर आएंगे, कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर भी ध्यान लगाने की ज़रूरत होगी और हाल ही में आपका जीवन साथी आपको कुछ खुशी का अनुभव करा सकता है, कुछ खुशी आपको दे सकता है। इसके अलावा देखिए, इन दो दिनों में आपका पारिवारिक जीवन भी बहुत अच्छा रहेगा, आप अपने परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे, मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे, हालांकि थोड़े बहुत खर्चे भी इस समय आपके ज़रूर होंगे। और साथ में देखिए, इस समय आपको स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल ज़रूर रखना होगा। ये दोनों ही दिन, पहला दिन यानी कि 15 नवंबर आपके लिए काफ़ी अच्छा दिन साबित होगा। इसके बाद देखिए, हम बात करते हैं 16 नवंबर की। 16 नवंबर का दिन भी आपके लिए बेहद खास रहेगा, इस समय आपके लिए इतने शुभ योग बन रहे हैं जो आपको काफ़ी तरक्की देने वाले साबित होंगे, खुशियां देने वाले साबित होंगे। बाकी ये जो दो दिन का समय होगा यहाँ थोड़ी सी सावधानियां आपको ज़रूर बरतनी होगी, खर्चों पर नियंत्रण करना होगा, साथ ही अपनी माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, माता की सेहत का पूरा ख्याल रखें, क्योंकि मौसमी बदलाव के कारण माता की सेहत में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ सकता है।
इसलिए उनकी सेहत का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अगर उनको कोई परेशानी होती है, शारीरिक परेशानी, तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करें। उस बीमारी को बढ़ने से पहले उसका ट्रीटमेंट कराना आपके लिए ज़रूरी है। यानी अगर थोड़ी सी सावधानी यहाँ आप रखेंगे अपने और अपने माता के स्वास्थ्य को लेकर, तो आप इस समय को बड़े ही आसानी से बिता सकते हैं। और जहाँ तक आपके कार्य क्षेत्र की बात है, तो देखिए इन दो दिनों में आपकी बुद्धि से शत्रुओं पर आप हावी रहेंगे। आप अपनी बुद्धि के बल पर अपने शत्रुओं को पछाड़ देंगे। मित्रों, कार्य क्षेत्र में कई बड़ी परेशानी आपके लिए दिखाई दे रही है। आप अच्छा प्रदर्शन करते हुए तो नजर आएंगे, परंतु आपके मन में एक अजीब सा डर रहेगा। इसके अलावा देखिए इन दो दिनों में अपनी माता के परिवार की तरफ से, यानी कि ननिहाल पक्ष से, कुछ अच्छी खबर आपको सुनने को मिल सकती है, या फिर कोई बड़ा काम इस समय आपका ननिहाल पक्ष से हो सकता है, ऐसा इस समय होगा। इसके अलावा इन दो दिनों में जो परेशानियाँ आपकी चल रही थी, तो उन सभी परेशानियों को आप दूर कर पाएंगे। आपके अंदर एक आत्मविश्वास होगा, हर कार्य को करने की शक्ति होगी, जिसका आप अच्छे से प्रयोग कर पाएंगे। आपके जीवन साथी का पूरा सपोर्ट आपके साथ होगा। अगर आपका कुछ काफी समय से कोई काम पेंडिंग था, रुका हुआ था, या किसी कारण पूरा नहीं हुआ था, तो वो काम इन दो दिनों में पूरा होगा। देखिए आपके परिवार का सपोर्ट आपके लिए यहाँ पर दो दिनों में आपके पास होगा। आपके साथी का, जीवन साथी का सपोर्ट आपके साथ होगा। उनके सपोर्ट से आप अपने कुछ ऐसे कामों को पूरा कर पाएंगे जो आपके रुके हुए थे, पेंडिंग थे, और वो समय से पूरे नहीं हो रहे थे। तो चलिए अब बात करते हैं हम आपकी लव लाइफ, प्रेम जीवन के बारे में। देखिए प्रेम के मामले में ये समय आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा, यादगार रहेगा। लव लाइफ के लिए यादगार समय इन दो दिनों में हम कह सकते हैं। बाकी व्यापार करने वाले लोगों के लिए भी ये दो दिन काफ़ी अच्छे रहेंगे। इस दौरान आपको अपने व्यापार को बढ़ाने के मौके मिलेंगे, अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, या अपने व्यापार के कारण आपको कहीं बाहर भी जाना पड़ सकता है। यानी कुछ यात्राएं भी इस समय आपको करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि यात्राओं के भी प्रबल योग इन दो दिनों में मित्रों आपके लिए बन रहे हैं। याद रखें, यात्रा करते समय आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, सावधानी पूर्वक यात्रा करें, अपने सामान की रक्षा करें। साथ ही इस दौरान आप अपने काम पर जितना फोकस करेंगे, जितना फोकस के साथ काम करेंगे, उतना अधिक आपको फायदा होगा, मुनाफा होगा, ऐसा ही समय होगा। मित्रों आपके लिए बहुत ही अच्छे मौके हैं। आप अपने काम पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लगाएं और अपने प्रयासों को अंजाम दें। इसके अलावा देखिए इस दौरान आपके लिए कुछ स्थितियाँ ऐसी निर्मित होंगी, जिसके चलते आप अपने किसी प्रोजेक्ट को समय से पूरा कर लेंगे, और उस प्रोजेक्ट की वजह से आपको अच्छी तारीफें भी सुनने को मिलेंगी, आपकी सराहना की जाएगी। और इन दोनों ही दिन में अपने कार्य क्षेत्र के मामले में आप ज़्यादा व्यस्त रहेंगे। धन वृद्धि के शुभ संयोग भी इन दो दिनों में आपके लिए बन रहे हैं। इस दौरान आपके लिए देखिए धन लाभ होंगे, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। मित्रों धन प्राप्ति इस समय आपको ज़रूर होगी, कहीं से भी धन आए परंतु आएगा ज़रूर, ये बात आप जान लें। आपके मित्रों का भी सहयोग इन दो दिनों में आपको प्राप्त होगा, और कोई व्यक्ति आपकी मदद के लिए भी इस समय आगे आ सकता है, और उसकी मदद आप ज़रूर लें। हो सकता है उसकी मदद से आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल जाए। इसलिए मौका चाहे जो भी हो, आप उसको हाथ से बिल्कुल भी जाने ना दें, पूर्ण रूप से उसको स्वीकार करें। बाकी प्रेम संबंधों के लिहाज से भी ये समय काफ़ी अच्छा है। आप अपने प्रेमी को कहीं बाहर घुमाने ले जा सकते हैं, या कोई डेट भी आपकी हो सकती है, जिसकी वजह से आपको अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा, और आप एक दूसरे को अच्छे से जान भी पाएंगे। तो मित्रों कुल मिलाकर काफ़ी रोमांस से भरे ये दो दिन आपके लिए साबित होने वाले हैं। पारिवारिक जीवन भी आपका खुशनुमा रहेगा, साथ ही सदस्यों के बीच आपका अच्छा तालमेल बनेगा, सामंजस्य बनेगा। इस समय आपके लिए किसी बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद भी आपके काम आ सकता है, उनके आशीर्वाद से आपके बिगड़े हुए काम बन सकते हैं। मित्रों अगर आप अपने किसी कार्य क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं और उसका परिणाम आपको अच्छा प्राप्त नहीं हुआ, तो ये समय ऐसा होगा आपको हर क्षेत्र में सफल परिणाम की प्राप्ति होगी, जिससे कि आपके अंदर एक आत्मविश्वास बनेगा। आपके कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत इस समय रंग लाती हुई दिखाई देगी। चलिए बताते हैं एक विशेष उपाय। मित्रों इस उपाय को आप पूरे मन में अपने श्रद्धा और विश्वास के साथ जरूर करें।
प्रातःकाल स्नान करते समय पानी में एक चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करें। इसके बाद 108 मरतबा ओम नमः शिवाय का जाप करें। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक कर दें। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव लिखना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। जल्द ही मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।